बनाने के लिए क्रीम का ये बैटर बना रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपने दो बुनियादी लाइनें लेनी है, एक ये मैंने ले ली और इसको मैंने पैटर्न को डबल कर लिया और ये मेरी एक बुनियादी लाइन होगी। इसके लिए नुक्ता ए से बी तक कंधे की लंबाई के मुताबिक फार्मूला 21.7 ठीक है। इधर से मैं एक फंडी लाइन ले लूंगी, नुक्ता ए से सी गुत्थी दा कमर 39.4 ये मेरी कमर है ठीक है। इधर से भी मैं एक फर्दी लाइन लगा रही थी, नुक्ता सी से डी तक हिप का फासला बा मुताबिक फार्मूला 18 सेंटीमीटर का निशान लगाएं। ये मेरा नुक्ता सी है और यहाँ से मैं डी तक का निशान लगाऊंगी 18 सेंटीमीटर। ये मेरी हिप निशान है, इसको भी मैं फर्दी लाइन से ये मिला ठीक है, इसको मैं डी का नाम दूंगी। कुल लंबाई के लिए नुक्ता ए से ई तक 92 सेंटीमीटर, ये ए ई तक 92 सेंटीमीटर का मैंने निशान लगाया और यहाँ से भी मैं एक फर्दी लाइन ड्रा कर, इसको मैं ई का नाम दूंगी और ये 92 सेंटीमीटर है और ये 18 सेंटीमीटर सी से डी लिया था और ये 39.4 सेंटीमीटर ए से सी कमर और ये मेरा कंधा 21.7। ये अब मैंने इसके जो है ना वो पार्ट्स ड्रा कर दिए, इसके ऊपर मैं आप पैटर्न ड्रा करूंगी। पैटर्न ड्रा करने के लिए है हाफ क्रॉस बैक फुट करने के लिए नुक्ता ए से नुक्ता एफ तक बा मुताबिक फार्मूला 17.3, ए से एफ लूंगी 17.3, इसको मैंने एफ का नाम दिया। चेस्ट लाइन के लिए नुक्ता बी से नुक्ता जी तक का मुताबिक फार्मूला 23 निशान लगाएं ठीक है। ये मेरी चेस्ट लाइन है, यहाँ से 23 मैंने निशान लगाना है यहाँ तक। जी इसको मैंने जी का नाम दिया और ये जो मेरी क्रॉस बैक थी इसको मैं सीधा चेस्ट लाइन से मिला दूंगा। कमर फिटिंग के लिए नुक्ता सी से नुक्ता ए तक बा मुताबिक फार्मूला 20.3, ये 20.3 मैंने चेस्ट लाइन का निशान लगाया। अब चेस्ट को मैं सीधा कमर से मिला दूंगी। हिप लाइन नुक्ता डी से नुक्ता आई तक बा मुताबिक फार्मूला 26.8, ये 26.8 मैंने निशान लगा दिया ठीक है। इसी तरह पहले मैं आप इसकी कुल चौड़ाई ले लूंगी नीचे से 30.7, ये 30.7 आ गया 30.7 सेंटीमीटर और हिप 26.8। अब इसको कर्व स्केल के जरिए पहले मैं मिला देती हूँ, कमर से पहले हिप तक मैंने लाइन लगाई फिर हिप से फुल चौड़ाई जो है उसको मैं आप इसमें मिला दी। ये मेरे पास हिप लाइन मैंने फिटिंग की लाइन लगा दी। अब बैक गले के लिए गले की चौड़ाई सबसे पहले मैं लूँगी 7.7 है, नेक की चौड़ाई 7.7 सेंटीमीटर और जहाँ पर 7.7 का निशान आया वहाँ से 2 सेंटीमीटर मैंने ऊपर की तरफ लिया। इसी तरह बैक कंधे की डोन के लिए 2.2 सेंटीमीटर मैंने निशान लगाया और यहाँ से 1.6 मैंने बाहर की तरफ लिया।
अब ये 2 सेंटीमीटर वाले निशान को मैंने 1.6 वाले निशान से मिला दिया, ये मेरा कंधे का डोम हो गया। बैक साइड गले की गहराई है 3.8। अब इसकी गुलाई मैं यहां से स्टार्ट करूंगी और इसका मढ़ाई, ये मेरी बैक गले की गहराई होगी। अब बैक कंधे की गुलाई के लिए ये कंधे की जो लाइन है इसका मैंने हाफ किया, ये मेरे पास आ गया 10 सेंटीमीटर। अब ये जो मैंने आगे की तरफ बढ़ाया था इसको मैंने इस डार्ट के साथ मिला दिया। अब यहां से मैं गुलाई करते हुए 23 सेंटीमीटर जो चेस्ट लेंथ का मैंने निशान लगाया था इसके साथ मैं मिला दूंगी। ये मैंने इधर मिला, अब बैक साइड की जो कमर की डार्ट है वो मैं डालूंगी। बैक साइड कमर की डार्ट के लिए नुक्ता सी से अंदर की तरफ 9 सेंटीमीटर मैंने निशान लगाया, ये है 9 सेंटीमीटर। अब ये 9 सेंटीमीटर वाले निशान से 11.5 ऊपर की तरफ और 11.5 नीचे की तरफ, यानी कि कुल इस लाइन की लंबाई होगी 23 सेंटीमीटर, ये मैंने निशान लगाया। अब इस डार्ट की जो चौड़ाई है वो है 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर का मैंने हाफ किया था, 1.2 एक साइड पे आ गया और 1.2 दूसरी साइड पे आ गया, ये हो गया हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। अब इन दोनों निशानों को मैं इनके कॉर्नर के साथ, लेंथ की जो कॉर्नर है उसके साथ मिला दूं। ये है 2.5 सेंटीमीटर से की चौड़ाई है और ये हमारी कमर की डार्ट है। ये फ्रंट साइड पे और बैक साइड पे एक जैसी होती हैं। ये बैक साइड की जो है मैंने मैं कंप्लीट कर दी है। बैक साइड का जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर जो फ्रंट साइड के अजाफी पॉइंट है वो मैं ड्रा करूंगी। फ्रंट साइड के अजाफी पॉइंट जो है वो हम गले से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि बैक साइड का गला 3.8 है और फ्रंट साइड का जो गला होगा वो 9 सेंटीमीटर होगा। ये मैंने 9 का निशान लगाया है, ये फ्रंट साइड का गला है 9 सेंटीमीटर। अब इसकी गुलाई इस लाइन से मैं स्टार्ट करूंगी, इस तरह से गुलाई करते हुए ये वाले निशान से मैंने बना दी, ये मेरी फ्रंट साइड की गुलाई होगी। इस तरह कंधे की डोम के लिए मैंने लिया, बैक साइड के लिए 2 सेंटीमीटर मैंने लिया था और फ्रंट साइड के लिए 2.5 सेंटीमीटर मैं लूंगी। और इसी तरह फ्रंट साइड के लिए मैं लूंगी 1.5 सेंटीमीटर बाहर की तरफ और बैक साइड के लिए मैंने 1.6 लिया था, ये मेरा इधर आ गया। अब इसी निशान को जो है ना मैं इसके साथ मिला दूंगी। अब ये जो फ्रंट साइड का मैंने कंधे का डोन लिया है इसको तिरछा जो इसके निशान के साथ मैंने अटैच किया है, अब इसी से तिरछा मैं जो है ना 3.2 आगे की तरफ लूंगी। जो मैंने कंधे की यहाँ पे डॉट डालनी है उसकी चौड़ाई जो है ना वो उतनी मैं कंधे से आगे निशान लगाऊंगी 3.2। ये मैंने कंधे की डार्ट के लिए आगे बढ़ा दिया। अब कंधे की गुलाई के लिए ये जो सेंटर पे मैंने निशान लगाया था यहां से 1.6 मैंने बाहर की तरफ लिया। अब ये जो मैंने आगे की तरफ बढ़ाया हुआ था इसको मैंने इस निशान के साथ मिला दिया, ये हो गया। अब कमर चेस्ट लाइन के लिए जैसे कि बैक साइड के लिए मैंने 23 लिया था और फ्रंट साइड की जो चेस्ट है वो 25.5 है, यह है फ्रंट साइड की चेस्ट 25.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये मैं गुलाई करते हुए ये फ्रंट साइड की चेस्ट लाइन से मिला दूँ, ये मेरी फ्रंट साइड की कमर की गुलाई होगी। अब इसके जो ऊपर कंधे की डार्ट्स हैं उसके लिए मैंने ये नुक्ता के था मेरा, नुक्ता के से अंदर की तरफ 5.8 पे मैं निशान लगाऊंगी, ये आ गया। जैसे कि हमारे कंधे की जो डार्ट थी इसकी चौड़ाई थी 3.2, जब ये मैंने आगे की तरफ जो बढ़ाया था उतनी ही चौड़ाई मैं यहाँ पे लूंगी। 3.2 का जब मैंने हाफ किया तो 1.6 एक साइड पे आ जाएगा और 1.6 ही दूसरी साइड पे चला जाएगा,
ये मेरे पास 3.2 आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बी से अंदर की तरफ जो मैंने डॉट का फासला लेना है वो है 9.7, ये मैंने 9.7 कर लिया। अब ये जो उसका सेंटर का 5.8 का जो मैंने निशान लगाया था, इस डॉट को मैं 9.7 वाले डॉट से मिलाते हुए नीचे की तरफ लेके जाऊंगी 1.3, उसको मैं नुक्ता ओ का नाम दूंगी। ये मैंने पहले इसको मिलाया और ये 1.3 जो है वो मैं नीचे की तरफ लेके आई हूँ और इसको मैं दूंगी ओ का नाम और ये है 1.3 सेंटीमीटर नीचे आया इससे, ठीक है। अब ये इसके जो दोनों साइड पे मैंने फासला लिया था, इन दोनों को मैं इस कार्नर के साथ मिला दूंगी। ये इस तरह फ्रंट कंधे की जो डॉट है वो हमारे पास कंप्लीट हो गई। इसी तरह फ्रंट कमर की जो है, बैक साइड के लिए मैंने 20.3 लिया था और फ्रंट साइड की जो कमर है वो 21.6 हो गई। 21.6। अब चेस्ट लाइन को मैं कमर के साथ मिला दूंगी। और आगे मैं कट स्केल के साथ इसको हिप के साथ ऐसे मिला दूंगी। ये मेरे पास ऊपर से आप देख रहे हैं ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट इसका जो लास्ट पॉइंट रह गया वो ये है कि फ्रंट साइड की जो एक्स्ट्रा कटिंग होती है फ्रंट साइड से, वो 2 सेंटीमीटर मैं नीचे की तरफ लूंगी और इसको मैं कर्व स्केल के साथ इधर गुलाई कर दूंगी। अब इसका एक पॉइंट और है, कमर की जो साइड आर्ट होती है, साइड आर्ट के लिए आपने कमर से 4 सेंटीमीटर जो है वो ऊपर की तरफ जाना है। ये 4 सेंटीमीटर में ऊपर की तरफ आई, ऊपर की तरफ जाके इस डार्ट की चौड़ाई भी ही 2.5 ही होगी, यानी कि 1.2 एक साइड पे, 1.2 दूसरी साइड पे मिलूंगी। इस तरह 2.5 मेरे पास इसकी चौड़ाई होगी, ठीक है। इधर से इसका फासला जो मैंने लेना है वो 1 सेंटीमीटर जो है वो मैंने इधर आके इसके जो सेंटर वाला जो डार्ट था इसको मैंने इसके साथ मिला दिया। अब ये साइड वाले डार्ट से भी मैं साथ मिला दूंगी। ये फ्रंट जो लाइन है ना कमर की, उससे मैंने ये करना है क्योंकि ये हमारी फ्रंट साइड पे ही होता है। ये सेंटर वाला भी आप फ्रंट से ही स्टार्ट करेंगे, ये ठीक है। ये मेरे पास फ्रंट और बैक का जो पैटर्न है वो ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो गया। अब मैं इसकी पैटर्न मेकिंग करूंगी। पैटर्न मेकिंग के लिए मैं इसकी नीचे से ये कटिंग स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं फ्रंट साइड की कटिंग करूंगी, उसके बाद बैक साइड की होगी। गले से मैं स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, ये मेरे पास पैटर्न बन गया। इसकी मैं जो कटिंग की थी वो यानी कि आउट लाइन से कटिंग की है। अब इसके कुछ पॉइंट्स जो है ना वो फ्रंट साइड के रहते हैं और कुछ बैक साइड के हैं। जैसे कि गला मैंने बैक का कटिंग किया था, अब फ्रंट का कटिंग करना है। इसी तरह जो है ना ये कमर की जो है ना वो फ्रंट साइड की कटिंग हुई और बैक की मैंने अभी कटिंग करनी है। कंधा भी जो है ना वो बैक का कटिंग होना है। तो इसके लिए मैं सबसे इजी वे यूज करूंगी, ये मेरे पास मार्किंग व्हील है। मार्किंग व्हील को ये जो बैक के निशानात हैं इनके ऊपर मैं इस तरह से
थोड़ा सा रब करूंगी तो इसके निशानात जो हैं वो नीचे चले गए, ये आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह ये मैं कमर से भी जो है ना वो मार्किंग व्हील से इसके निशान जो है ना वो नीचे ले जाऊंगी। इसके लिए मेरे लिए इजी होगा दूसरी साइड से बैक साइड के जो ड्राफ्टिंग है उसको कटिंग करना। ये कंधे के ऊपर भी मैं इसी तरह मार्किंग व्हील से निशान कर लूंगी। इसको थोड़ा सा प्रेस करके आपने जो है ना वो ये फ्रंट डोम जो था उसको भी मैं ऐसे कटिंग कर लूंगी। इसी तरह आप इसके ऊपर भी निशान लगा सकते हैं क्योंकि ये फ्रंट और बैक दोनों पे होते हैं। आप इस पे निशान करके दूसरी साइड पे जो है ना वो अपनी प्लेट जो है वो ड्रा कर लें, ये आपके लिए इजी रहेगा। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी जो मैंने निशान लगाए हैं उनके ऊपर ऊपर। ये थोड़ा सा करके अब इन निशानों के ऊपर जो है ना मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ। अब ये मैं गले की कटिंग करूंगी। गले की बेशक आप ना भी मार्किंग व्हील से मार्क करते वैसे ही कटिंग हो जानी थी। ये फ्रंट डोर में कटिंग कर रही हूँ। अब बैक के लिए ये देखें आपके पास पहले ही निशान जो है ना वो ड्रा हो गया। इसको मैं एक साइड पे करूंगी और ये मैं निशानों के ऊपर जो है वो कटिंग कर रही हूँ। बहुत ही ईजी और सिंपल तरीका है ये बैक की कटिंग का। ये हिप से मैं इसको खत्म। ये मेरा पैटर्न अब आप लोगों के सामने बिल्कुल रेडी है। इसकी फ्रंट और बैक की मैंने जो है ना वो कटिंग करके पैटर्न तैयार कर दिया है। अब इसको मैं आपको कपड़े के ऊपर कटिंग करने का तरीका बताऊंगी क्योंकि पैटर्न को यूज करते हुए हम कपड़े की कटिंग कैसे करते हैं। पहले मैं फ्रंट साइड जो है ना वो कटिंग करूंगी। फ्रंट साइड के लिए मैं इसकी पैटर्न की ये चीज मैं ऐसे कर लेती हूँ और ये इसके ऊपर मैं रखूंगी। ये मैंने फैब्रिक को डबल लिया है, डबल लेके मैंने इस तरह से रख लिया और ये मैं अब इसके ऊपर बिछा रही हूँ। इस तरह बिछाने के बाद अब मैं इसको मार्क करती हूँ। ये हाफ इंच के निशान फासले पे मैं इसको मार्क कर रही हूँ। ये हाफ इंच मैंने जो है ना वो इसका ऊपर छोड़ा सिलाई के लिए और हाफ इंच ही मैंने इसके लिए इधर सिलाई के लिए छोड़ दिया। कमर पे चूंकि हमने डार्ट्स डालनी है कमर की डार्ट्स के लिए एक इंच के फासले पे मैं इसको मार्क करूंगी। ये मैंने एक इंच ले लिया, ठीक है। यहाँ सीधा मैं इससे कटिंग करते हुए के साथ दिया। अब इसके लिए अगर आप पाइपिंग जो कमीज की लेंथ है वो उतारने के लिए अगर आप पाइपिंग कर रहे हैं तो उसके लिए मैं हाफ इंच लेके आऊंगी। अगर आप सिलाई कर रहे हैं फोल्डिंग में सिलाई का निशान लगाएंगे तो फिर आप उसको जो है वो डेढ़ इंच तक रखेंगे। अगर आप कमीज की लेंथ जो है ना वो नीचे से फोल्ड करने के लिए हेम करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर मुझे अढ़ाई इंच रखना होगा। ये आप डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रही हैं। मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी मशीन से तो इसलिए मैं इसका जो है वो डेढ़ इंच एक्स्ट्रा रखूँ। डेढ़ इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद ये इसके साथ साथ मैं इसको मार्क करके इसी तरह साइड से भी आपने अगर
सिलाई लगानी है तो फिर आप लोग इसको हाफ इंच जो है ना वो एक्स्ट्रा रखेंगे, अगर आपने हेम करनी है फिर ये एक इंच तक एक्स्ट्रा होगा, अगर पाइपिंग करनी है फिर आपका 3 पॉइंट जो है ना वो आपने एक्स्ट्रा रखने हैं। मैंने चूंकि सिलाई लगानी है तो मैं इसको हाफ इंच जो है ना वो एक्स्ट्रा रख के ये मार्क कर रही हूँ। ये मेरा इसके साथ अटैच हो गया। अब मैं पैटर्न को साइड पर रखती हूँ। गले की कटिंग आपने नहीं करनी क्योंकि गला आप तभी कटिंग करेंगे जब आपने गला जो है ना वो साथ अटैच करना है, ठीक है। गले को सेपरेट से तैयार करके चेपी के ऊपर काट के उसके ऊपर रखने के बाद डिजाइनिंग सिलेक्ट करने के बाद फिर हम गले की जो है वो कटिंग करेंगे, इसलिए मैं गला भी कटिंग नहीं कर रही। पैटर्न को मैं हटा रही हूँ और आप इसकी मैं कटिंग स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने कटिंग कर ली है, जो मैंने पैटर्न रख के इसको मार्क किया था उन मार्क के ऊपर मैंने इसको कटिंग करके ये फ्रंट साइड जो है मेरे पास कटिंग होगी। अब मैं बैक साइड के लिए फैब्रिक लूंगी। अब मैं बैक साइड की कटिंग करूंगी। बैक साइड के लिए जैसे कि पहले मैंने जब फ्रंट साइड कटिंग की तो फ्रंट साइड का जो पैटर्न मैंने रखा था सामने, अब मैं बैक साइड की कटिंग करूंगी तो बैक साइड को जो है ना वो इस तरह से सामने रखूंगी। बैक साइड को सामने रखने के बाद इसका मैंने बैक गला जो है ना वो हम साथ ही कटिंग करेंगे हाफ इंच के फासले पे। इस तरह से मैंने इसको मार्क कर लिया और यहाँ से भी मैंने हाफ इंच ही छोड़ना है और कंधे के दबाव के लिए भी मैंने हाफ इंच से मार्क कर लिया। कमर से जैसे कि फ्रंट साइड से मैंने एक इंच जो है ना वो एक्स्ट्रा रखा था, बैक साइड पे भी क्योंकि हमारी डार्ट्स आएंगी इसलिए मैं एक इंच एक्स्ट्रा रख के जो है ना वो इसको चेस्ट लाइन से मिला दूंगी और यहाँ से जो है वो फ्रंट साइड की एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए फैब्रिक छोड़ते हुए मैं ये मार्क कर लूंगी और नीचे मैंने ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था ये एक से साथ एक्स्ट्रा में मिला लूंगी। अब मैं पैटर्न को हटा रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं कटिंग करूंगी। ये मेरी बैक साइड भी कटिंग होगी, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर आप फ्रंट साइड जो है ना वो रखती हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरह से हमारी कटिंग हुई। ये देखें ये हमारी फ्रंट है और ये हमारी बैक है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा मैंने इसलिए रखी है कि क्योंकि हमारे कंधे की इधर डार्ट आएंगे। आई होप कि आप लोगों को हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर और कमेंट्स लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।